नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पास जो स्टेटर है, जो पंखा है, सीलिंग फैन है आपका लगा हुआ, उसके क्या होता है दोस्तों कि उसकी जो बाहर वाली जो रनिंग वाइंडिंग होती है हमेशा वो जल जाती है। इसके पीछे क्या कारण होता है, आपने नया पंखा रिवाइंड किया हुआ है, आपने कस्टमर को दिया, उसने लगाया और वो बोला कि कुछ टाइम बाद ये चला और फिर बंद हो गया। जैसे ही आपने खोला तो देखा कि आपकी जो ये रनिंग बाहर वाली कॉइल है ये सभी के सभी हीटिंग हो के ये बर्न हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, किस कारण से आपकी जो रनिंग की कॉइल है वो जल जाती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। और अंदर की जो कॉइल है देखिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। अंदर की जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो आप बिल्कुल देख लीजिए ध्यान से, आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक कॉइल हमारी काली हुई है, वो इसके कारण कि ये हीटअप हुई, उसके कारण ये अंदर वाली कॉइल हुई, बाकी ये बाहर वाली क्यों जली है। इसके पीछे दोस्तों दो कारण होते हैं, दोनों कारण आपको बताने वाला हूँ। आपको यदि सीखना है अच्छे से रिपेयरिंग करना तो आपको वीडियो पर ध्यान से देखना होगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा जब स्टेटर हम फिट कर देते हैं नया वाइंड करने के बाद, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि बेरिंग की, हम बेरिंग को अच्छे से ध्यान से नहीं देखते। हमारे पास उस वक्त तो ये अच्छे से घूम रहा होता है, मतलब हाथ से हम जैसे चला के देखते हैं तो हमारा ये बेरिंग तो घूम रहा होता है, परंतु क्या होता है कि इसमें ग्रीस की कमी होती है, और पुराना बेरिंग होने के कारण क्या होता है कि ऐसा अंदर से काला काला हो जाता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये अंदर काला होकर जम जाता है। अब इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री घूमेगा, परंतु काफ़ी टाइम चलेगा, जो 2 से 3 घंटा 4 घंटा चलने के बाद क्या होगा कि ये दोबारा से दिक्कत करना शुरू कर देगा, ये जाम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है रनिंग की कॉइल चलने की, वो आती है हमारे बेरिंग ख़राब होने के कारण। मीन तो बेरिंग टाइट चलेंगे आपके, हीट होने के कारण टाइट चलेंगे, उसमें क्या होगा कि घर्षण ज़्यादा होगी और आपका जो पूरा का पूरा लोड है वो इस रनिंग वाइंडिंग के ऊपर पड़ जाएगा। अब जब रनिंग वाइंडिंग के ऊपर इसका लोड पड़ जाएगा दोस्तों, तो नॉर्मल सी बात है कि रनिंग वाइंडिंग हीट होनी शुरू हो जाएगी, और हीट होने के कारण क्या होगा धीरे धीरे करके वो जलना शुरू हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों, पहला कारण कि आपका जो ये बेरिंग है, आप बेरिंग हमेशा जब भी इसको आप वाइंडिंग करो किसी की पंखे को, तो उनको पहले बोल दो कि इससे बेरिंग भी आप नहीं डलवा लो, ताकि इसके लाइफ अच्छी रह जाए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को भी और आपको भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। अब नंबर दो बात क्या है दोस्तों कि हमारा जब ये पंखा चल रहा होता है उस वक्त कहीं पर आपको यदि अड़ने की आवाज़ आ रही है पंखे में, जब पंखा घूम आप हाथ से घुमा के देखते इसे, तो हल्की सी कहीं टचिंग की आवाज़ आ रही है, तो भी आपकी रनिंग कॉइल में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि यदि स्टार्टिंग कॉइल जली होती है तो स्टार्टिंग कॉइल दोस्तों ओवर वोल्टेज या हाई वोल्टेज के कारण जली होती है, और जो रनिंग होती है दोस्तों रनिंग हमेशा ओवरलोड मीन्स के आपका इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा है रनिंग वाइंडिंग के ऊपर, तभी ही आपकी जो रनिंग वाइंडिंग है वो जल जाती है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी जो शाफ्ट है यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है लगा हुआ, स्प्रिंग जरूर लगाएं आप पंखा फिट करने से पहले, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी शाफ्ट कटी हुई होती है तो उसको पंच कर ले या शाफ्ट चेंज कर ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।